नेक्स्ट मेरी बहुत ही फेवरेट स्क्रिप्ट है टाटा गुड बाय इट्स अ ब्लैक कॉमेडी बहुत टाइम से मैं प्लान कर रहा था लेकिन सबसे पहली स्क्रिप्ट मैं ये नहीं डायरेक्ट करना चाहता था बिकॉज इट्स अ ब्लैक कॉमेडी एंड इट इज़ नॉट ट्राइड एंड टेस्टेड सो आई वॉन्टेड टू डू समथिंग विच वॉज ऑलरेडी डन बिफोर लाइक मेरा प्ले था बाद में बिगड़े हालात उससे होटल ब्यूटिफुल बनाई टाटा गुड बाय इज़ एन ओरिजिनल स्क्रीन प्ले एंड स्टोरी सो दैट इज़ अ वेरी वेरी प्रेस्टिजियस स्क्रिप्ट फॉर मी and it is a bigger budget in terms of uh, production value, in terms of actors also because you need some amount of सेलिब्रिटी when you go for a bigger budget film because returns bhi उसी हिसाब से आते हैं ना so that's my next project Tata Goodbye। जब आप पहली फिल्म डायरेक्ट करते हो तो सबसे बड़ा चैलेंज होता है कि उसमें पैसा कौन लगाएगा प्रोड्यूसर कौन होगा क्योंकि बात बात में बिगड़े हालात इतना सक्सेसफुल रहा था तो ऑडियंस ऑलरेडी उससे कनेक्ट करती थी और जिन प्रोड्यूसर्स ने ये फिल्म प्रोड्यूस की है उन्होंने सबसे पहले प्ले देखा उसकी पॉपुलैरिटी देखी उसका रिस्पांस देखा उसके बाद डिसाइड किया कि हमें ये फिल्म बनानी है सो आई हैड अ रेफरेंस पॉइंट फॉर होटल ब्यूटीफुल फॉर टाटा गुड बाय दे वॉज नो रेफरेंस पॉइंट एंड इट इज़ अ वेरी वेरी ट्रिकी स्क्रिप्ट इट इज़ अ ब्लैक कॉमेडी एंड नॉट एवरी वडी यू वॉन्ट टू प्रोड्यूस अ ब्लैक कॉमेडी यू नो इट इज़ अ वेरी चैलेंजिंग स्क्रिप्ट सो इसीलिए मेरे लिए आसान था कि मैं पहले होटल ब्यूटिफुल करूँ और उसके बाद टाटा गुड बाय करूँ बजट है इसलिए हमें मार्केट के एक्टर्स लेने होंगे जैसे सारे ए लिस्टर्स होंगे मार्केट के होंगे कई लोगों से मेरी मुलाकात होती रही है और बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिला है स्क्रिप्ट को जैसे ईरानी इज़ अ फ्रेंड ही इज रेड द स्टोरी एंड ही इज लाइक सो कहानी एक फादर और दो बेटों की है और उनकी दो जो रोमांटिक ट्रैक्स है तो, परेश भाई ने स्क्रिप्ट को बहुत पसंद किया उन्होंने नरेशन सुना मुझसे लेकिन अभी तक मैंने किसी को फाइनलाइज नहीं किया क्योंकि आई एम वेरी केयरफुल विद द कास्टिंग दिस टाइम After my first experience of Hotel Beautiful, I have to be very careful with the casting. Uh, there are other actors also in mind, Something, somebody like uh, Pankaj Kapoor, Nasiruddin Shah. I'm I'm, in the process of meeting these people. Plus the two uh, sons, I have. Uh, the script has been bounced to a lot of actors and they have had a good response. I just have to lock everybody and then move on to the next stage. Deke, do jo ladke hai, they have to be very good with comic timing. My, my script has always been comedy. थोड़ा जो सब जॉनर है वो अलग हो सकता है बट दे हैव टू बी गुड विद द टाइमिंग सो आई हैड मेड शर्मन जोशी ही हैड लाइक द स्क्रिप्ट बट समथिंग डिन वर्कआउट इन बिटवीन सो ऑब्वियसली राइट नाउ इट इज़ इन दैट स्टेज वेयर वी डोंट नो वेयर वी आर हेडिंग बट देर इज रितेश देशमुख देर इज अभय देवल देर इज देर इज अलॉट ऑफ अदर एक्टर्स हु हैव बीन डूइंग कॉमेडी एंड डिफरेंट स्क्रिप्ट एंड हु आर रेडी टू टेकअप द चैलेंज ऑफ अ ब्लैक कॉमेडी जी स्टाका uh, जैसे जॉनी भाई है उनसे मेरी मुलाकात ही इस स्क्रिप्ट के लिए हुई थी और uh, वो डेफिनेटली रहेंगे ब्रिजेंद्र काला ही इज डियर फ्रेंड ही इज बीन इन ऑल माई प्रोजेक्ट हिल बी दिस दैट द नॉट द स्टारकास्ट एम डॉक द्रू द डी ओ पी ऑफ द फिल्म एज डेल वेरी वेल So Uday Singh Mohite, he will be there. A couple of other people from the crew will be there. See, from this film, Hotel Beautiful, I've I've had a great experience. So whoever I have felt that have you know been a great contribution in this film will be repeated there, for sure. See, first of all, the content uh, of this film is very different. It has never been seen before. It is a satire on death. Okay, so uh, it is a new thing for the audience to see something like this. Plus.

So, it is an international concept, and something like this, any actor would want to do, and any audience would want to see something like this.